देश की, हमारे आरसीएम फैमिली की बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा सक्सेस हमको मिल रहा है, जिससे कि नए साथियों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझा पाए कि हाइजीन पे कैसे काम करना है और आप कैसे कर रहे हो अभी तक। और सभी नए साथी जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आज सुन तो सब लिया पर करना क्या है वो पता नहीं पड़ रहा है, तो एक बार उषा जी को ठीक तरीके से सुनिएगा। इस कैंपेन को कैसे करना है तो एरिया वाइज हम वहाँ की जैसे आशा बहुएं हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है तो स्कूल के जो प्रबंधक हैं आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं स्कूल में कैंपेन करने के लिए। और गांव में जैसे हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जैसे कि मैं अभी क्या करती हूँ कि जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरी टीम में, मैं उनके थ्रू उनके एरियाज में पहुँच रही हूँ और उनसे बात करती हूँ, उनके थ्रू वहाँ पे मीटिंग अरेंज करवाती हूँ कि अपने आसपास के लेडीज़ को सिर्फ ये बस बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, बस ये कि आप कुछ महिलाओं को इकट्ठा करिए, उन्हें हमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देनी है, बस इतना बताना काफ़ी होता है। और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत है हम उनसे बात कर सकते हैं और इस तरह से ये छोटे छोटे माध्यम से हम जा सकते हैं। और इसके अलावा हम मान लीजिए किसी सिटी साइड है हम वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो छोटे छोटे क्लब्स होते हैं जो कि सोशल वर्क से रिलेटेड काम करते हैं तो उनसे मिल करके हम उनसे बात कर सकते हैं कि हमें हाइजीन कैंपेन करना है, लोगों को अवेयर करना है उनके पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, तो वो बहुत ही इजीली एग्री करते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी कि जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर टीचर ज़रूर होते हैं, जैसे एनएसएस करवाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो अधिकारी होते हैं, यदि हम उनसे संपर्क करें तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है उनका। और इसके अलावा हम अगर आजकल का जैसे टाइम देखें तो गाँवों में जो दोपहर का टाइम होता है ज़्यादातर वो खेतों में बिजी होते हैं, तो उसके बीच में उनका एक टाइम होता है जहाँ पे थोड़ा सा वो 1-2 घंटे का रिलैक्स लेते हैं, तो उस टाइम में हम जाकर उनसे मिल सकते हैं पर्सनली और उनसे अगर बात करें कि हमें आपके स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात करनी है, बहुत अधिक टाइम नहीं लेना है, तो वो ज़रूर एग्री करते हैं। मैम, आप जो ये कैंप चला रही है हाइजीन का, ये सच में मैम हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है इस सिस्टम में आने के लिए। तो मैं आपको मैम बताना चाहूंगी कि मैं जो है किस तरीके से काम कर रही हूँ। मैंने जो है मैम, आपने जो पीपीटी अपनी जो वेबसाइट पर डाली थी, ग्रुप में भी डाली थी, तो मैंने उसको निकाला और उसको कंप्यूटराइज इस तरीके से मैंने जो है पूरे उसके पेपर इस तरीके से मैंने उसके पूरे निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं मैम कि इस तरीके से मैंने पूरे उसकी जो है पूरी कॉपी निकाल ली है और इस तरीके से मैम मैं पूरे उस पे जो है काम कर रही हूँ, चाहे वो जो है कॉस्मेटिक का हो या व्योमनी का हो या हाइजीन का हो, मैंने सारे पेपर्स ऐसे निकाल करके इसके और इस तरीके से मैं जो है काम करती हूँ। हाल ही का मैं एक मैम आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक जो है आपकी एक दिन मीटिंग चल रही थी 3 बजे वाली, और मैं जो है साड़ी की दुकान पे गई हुई थी कुछ खरीदारी करने के लिए। तो मैं वहां पे आपकी मीटिंग चल रही थी, जूम पे वो जो है चल रही थी, मैं अपना जो है खरीदारी पे लगी हुई थी, तो वहां पे अपना लोग सुन रहे थे। उसमें से एक जो लड़का था वो बहुत ही गौर से सुन रहा था, उसने सुना, उसको क्या समझ में आया मेरी नहीं समझ में आया। बाद में उसने थोड़ी देर बाद उसने जब मैं बाहर निकली तो उसने मुझसे बाहर निकल के बात करी कि बोला मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भैया बताइए क्या बात करनी है आपको। उसने कहा अभी आप ये जो है मीटिंग सुन रही थी ये क्या था। तो मैंने उसको बताया मैम कि मैं जो है हाइजीन पे काम कर रही हूँ और इसमें जो है मैं महिलाओं से लड़कियों से मिलती हूँ, उनसे उनकी जो ये जो इंटीमेट एरिया जो होता है, इस तरीके की जो बीमारियां होती छोटी छोटी बीमारियों पे, इस पे मैं जो है थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ। तो उसने मुझे बताया कि उसकी वाइफ को जो है काफी मतलब दिक्कत थी इंटीमेट एरिया में, इतनी दिक्कत थी मैम कि उसको पीरियड के टाइम पे कट गया था। उसने काफी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जिससे उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप एक बार मेरे से इंटीमेट वॉश लेकर के देखिए, अगर आपको जो है पसंद आता है 1 हफ्ते आप पहले इसको यूज करिए, और अगर आपको समझ में आए तो आप इसको डेली यूज करिएगा, और नहीं समझ में आए मुझे खुला वापस कर दीजिएगा, लेकिन एक बार 1 हफ्ते आप मेरे कहने से यूज करिए, मुझे अभी पैसे भी नहीं चाहिए आपसे। तो बोला नहीं मैम पैसे हम दे देंगे आपको, लेकिन आप मुझे दीजिए। मैंने उसको दिया जा करके घर से, क्योंकि मेरे घर से काफी थोड़ी दूर पे दुकान है, तो
तो मैंने उसको दिया, देने के बाद उसको मैंने बताया कि कैसे आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। उसने कहा ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब कि जलन टाइप से होने लगी कि। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जलन नहीं होगी, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उसने यूज किया, उसकी वाइफ ने जब यूज किया तो एक हफ्ते बाद फिर मैंने उनसे उसका रिस्पॉन्स पूछा, तो उन्होंने कहा मैम इतना अच्छा है। और मैं फिर मैंने उनको अपने सैनिटरी पैड के पूरा खोल के दिखाया पैकेट, मैं जो घर पे रखती हूँ अपने लिए, मैंने वो दिखाया ले जाकर कि देखिए भैया आप मार्केट का भी, मैंने एक रखा है पीस कि मैंने मार्केट का भी उनको दिखाया कि देखिए इसमें कितनी प्लास्टिक लेयर है, और हमारे में जो कॉस्मेटिक की मतलब कॉटन की लेयर होती है, ये देखिए कितना हमारे लिए जो है फायदेमंद है, क्योंकि इस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे साथ भी पहले ऐसी दिक्कत होती थी अगर जब मैं मार्केट का यूज करती थी, लेकिन जब से मैंने कीसोल का यूज करना शुरू किया तो मेरी ये समस्या खत्म हो गई। उन्होंने अब मैम मान लीजिए कि 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने से वो मेरे से जो है सैनिटरी पैड ले रहे हैं, और उनकी वाइफ जो है इतनी कमजोर थी, मैंने उनको उसके साथ में न्यूट्रीशन वुमन लगा करके दिया तो उन्होंने वो भी लिया। तो इस तरीके से मैम जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप लोगों ने हम जो है ऐसी आम लेडीजों के लिए सोचा कि हम लोग बाहर निकल के भी काम कर सकते हैं। थैंक यू मैम, जय आरसीएम मैम।